हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में अगर हमारे पास लिस्ट है तो उसके बेस पर हम मल्टीपल फोल्डर को एक साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखेंगे। उसके बाद मल्टीपल फोल्डर को एक साथ डिलीट कैसे करना है ये देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स को एक साथ रिनेम कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। और लास्ट में पावर शेल विंडोज का इस्तेमाल करके हमारे सारे फाइल्स और फोल्डर के आगे और पीछे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो एक साथ कैसे ऐड कर सकते हैं। और अगर हम सारे फाइल्स या फोल्डर के नेम में से कुछ एक साथ रिप्लेस या रिमूव करना चाहते हैं तो उसको कमांड देकर कैसे कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो अभी यहाँ पर देखिए, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर के नेम है और यहाँ पर टोटल 295 कस्टमर के नेम है और इनके नेम से मैं अलग अलग फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ MD स्पेस डबल कोट्स और यहाँ पर इस नेम को टाइप कर देता हूँ नंदन ट्रेवल्स और डबल कोट्स क्लोज और इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे भी हम ऐसे ही चाहते है तो हम प्लस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम नीचे के सेल में आके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह पर हमारा सेम फॉर्मेट आ चुका है। अभी मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी। उसके बाद मैं इस फोल्डर में सारे फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर न्यू और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल और जो भी आप नेम देना चाहते है दे सकते है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके इनको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब ये TXT मतलब टेक्स्ट फाइल है, इसको हमें बैट में कन्वर्ट करना है। अगर ये एक्सटेंशन आपके पास नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जा सकते है, यहाँ पर शो और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाइड हो चुका है। मैं दोबारा व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर शो और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन और यहाँ पर जो TXT है इसको हम बैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ और BAT और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर यस करना है तो यहाँ पर ये जो फाइल है वो बैट में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सारे फोल्डर है वो एक साथ क्रिएट हो चुके हैं। अभी मैं टोटल इसको काउंट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 295 फोल्डर है जो हमारे यहाँ पर लिस्ट में थे 295। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो फोल्डर है इसके अंदर भी हम अलग अलग फोल्डर को एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको नीचे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रेवल्स के बाद मैं एक स्लैश देता हूँ और जो भी फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते है इसका नेम आप लिख सकते है, जैसा की मैं यहाँ पर GST सर्टिफिकेट। अभी एक फोल्डर ये होगा GST सर्टिफिकेट। अभी मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर डबल कोट से लेकर डबल कोट सर इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर एक स्पेस देके इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा सेकंड फोल्डर जो होगा वो अदर डॉक्यूमेंट का होगा, अदर डॉक्यूमेंट। इस तरह से आप यहाँ पर स्पेस देके जितने भी सब फोल्डर आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं इनको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ई मतलब यहाँ पर नीचे भी सेम नेम आ चुके हैं। अभी मैं इनको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल सी। उसके बाद इस फाइल में आके मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन और यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी मतलब इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कट, यहाँ पर सेव। अभी मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए सारे फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर ये सारे फोल्डर क्रिएट है और इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए GST सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हर फोल्डर में ये दो सब फोल्डर क्रिएट हो चुके है। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल नेम है और हम उनके एक साथ फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे सब फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एक साथ कर सकते हैं। अभी ये जो एक्सेल फाइल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते है। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से गूगल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा।
अभी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फाइल, फोल्डर, पीडीएफ, एक्सेल फाइल है और इनको मैं एक साथ रिनेम करना चाहता हूँ, तो हम सीएमडी का इस्तेमाल करेंगे और एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि देखिए, मैं यहाँ पर पाथ को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सीएमडी और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है और हमारे फाइल का जो पाथ है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अभी मान लीजिए मैं इस फोल्डर को रिनेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा REN स्पेस, यहाँ पर फोल्डर का नेम, यहाँ पर ओल्ड नेम तो मैं आदित्य टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर फोल्डर को कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता तो मैं स्पेस देता हूँ, और न्यू नेम तो मैं यहाँ पर आदित्य 1 टाइप कर देता हूँ, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोल्डर रिनेम हो चुका है। उसी तरह से ये पीडीएफ है चंदन, तो मैं यहाँ पर REN टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर चंदन, और ये पीडीएफ है तो .pdf, उसके बाद स्पेस देता हूँ और यहाँ पर चंदू टाइप कर देता हूँ .pdf और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए चंदन था वो चंदू हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पर एक्सेल फाइल है नाना, तो मैं इसको REN स्पेस देता हूँ और यहाँ पर ओल्ड नेम नाना .xlsx, क्योंकि ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, स्पेस, और यहाँ पर न्यू नेम तो नंदू .xlsx और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नंदू आ चुका है। इस तरह से हम रेन स्पेस ओल्ड नेम प्लस एक्सटेंशन स्पेस न्यू नेम प्लस एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर व्यू में जाइए, यहाँ पर शो और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पर आपका जो भी एक्सटेंशन है वो शो हो जाएगा, txt, pdf, xls और फोल्डर जो होता है उसको कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता। अभी यहाँ पर सीएमडी फाइल है, लेकिन ये जो मेथड है वो कभी कभी फेल हो जाता है, तो मैं इस तरह से करता हूँ REN स्पेस, यहाँ पर जो फाइल नेम है उसको मैं कोटेशन मार्क में रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर नंदाई है, जैसे कि मैं नंदाई टाइप कर देता हूँ .pdf कोटेशन मार्क क्लोज, उसके बाद स्पेस, यहाँ पर न्यू नेम तो कोटेशन मार्क ओपन, यहाँ पर मैं नंदिनी टाइप करता हूँ .pdf कोटेशन मार्क क्लोज और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर नंदाई था वहां पर नंदिनी आ चुका है, मतलब जब आप कोटेशन मार्क को यूज करते हैं तो एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करता हूँ। अब इन सारे फोल्डर के नेम को मैं एक्सेल में लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है, आप इन सारे फाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसके लिए आप Ctrl+A का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे फाइल सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर कॉपी एज पाथ कीजिए, उसके बाद आप एक्सेल शीट को ओपन कीजिए और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फाइल का पाथ यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो पाथ है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब ये देखिए यहाँ तक जो है वो फाइल का पाथ है और आगे जो है वो नेम है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C, उसके बाद मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ Ctrl+H, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर फाइंड वॉट में मैं पाथ को डाल देता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी फाइल है उनके नेम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक्सटेंशन भी आ चुका है, और ये जो फोल्डर है उसका कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, Aditya1, तो यहाँ पर देखिए Aditya1, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो Aditya1 ये फोल्डर है, और इस सब फोल्डर में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक एक्सेल फाइल है, अगर इसके नेम को भी मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर जाइए फाइंड में और यहाँ पर ** को प्रेस कीजिए और इंटर कीजिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फोल्डर के अंदर भी जो भी फाइल्स PDF XLS है वो यहाँ पर आपको बाहर शो हो जाएगी। उसके बाद Ctrl+A कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर कॉपी एज पाथ और यहाँ पर आइए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, उसके बाद पाथ को कॉपी कीजिए Ctrl+C Ctrl+H, यहाँ पर पाथ को पेस्ट कीजिए Ctrl+V रिप्लेस ऑल, ओके। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर Aditya1 साइली ये एक फोल्डर में था, तो इस फोल्डर को भी हमें यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फोल्डर के अंदर भी जो नेम था वो यहाँ पर बाहर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर क्लोज सर्च कर दीजिए, मतलब आपके जो फाइल है वो वैसे ही हो जाएगी। अभी और एक तरीका है, आप यहाँ से इस पाथ को कॉपी कीजिए Ctrl+C, उसके बाद यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए,
मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आप उस पाथ को पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके जो सारे फाइल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहाँ पर साइज डेट मॉडिफाई सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल ए कीजिए कंट्रोल सी मतलब कॉपी और यहाँ पर आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोल्डर का पाथ और यहाँ पर सारे फाइल के नेम यहाँ पर साइज और यहाँ पर डेट ये सब कुछ आ चुका है। या फिर और एक मेथड है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सीएमडी प्रेस कीजिए सीएमडी और इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर दीजिए dir स्पेस स्लैश बी और इंटर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे फाइल के नेम आ चुके हैं। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप dir/b के जगह पर ये कोड टाइप कीजिए dir स्पेस स्लैश बी स्पेस पाइप स्पेस clip क्लिप और इंटर कीजिए और उसके बाद आप एक्सेल फाइल में जाइए और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिए तो सारे फाइल के नेम आपके यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। मतलब वहां से आपने क्लिपबोर्ड पे कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट किए हैं। तो इस तरह से भी आप सारे फाइल के नेम को यहाँ पर ला सकते हैं। मैं और एक तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक वर्कशीट को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो पाथ है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी और उसके बाद यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी और इसके आगे ऐड कर देता हूँ एक बैकस्लैश और स्टार। स्टार एक वाइल्ड कार्ड है। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला टैब में जाता हूँ यहाँ पर डिफाइन नेम और यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं जैसे कि मैं फाइल टाइप कर देता हूँ यहाँ पर आप स्पेस नहीं दे सकते। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मूला को टाइप करेंगे यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ files फाइल्स ब्रैकेट ओपन और मैं इसको चूज कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इज इक्वल टू और मैं यहाँ पर F3 प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो नेम रेंज है वो यहाँ पर आ चुकी है। ओके उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे फोल्डर में जो भी फाइल है वो यहाँ पर आ चुके है। इनको मैं कॉलम में चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोज यूज करता हूँ इज इक्वल टू ट्रांसपोज टैप प्रेस करता हूँ उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे फाइल के जो भी नेम है वो यहाँ पर आ चुके हैं और मैं ऑफिस 365 पर यूज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसका फायदा ये है यहाँ पर मैं किसी भी फाइल को एड करूंगा जैसे कि देखिए यहाँ पर न्यू यहाँ पर एक्सेल फाइल और मैं यहाँ पर आदित्य नाम देता हूँ इंटर और यहाँ पर आकर मैं इस फॉर्मूला को ओपन कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो न्यू फाइल ऐड की है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप फाइल नेम को यहाँ पर ला सकते हैं और ये पूरा डायनेमिक है। मतलब वहां पर आप किसी भी फाइल को ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और इन फाइल नेम को आप पावर क्वेरी का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर ला सकते हैं लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम एक साथ इन फाइल के नेम को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल नेम को लाता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पर cmd टाइप करता हूँ इंटर और इसके बाद यहाँ पर dir स्पेस स्लैश बी स्पेस पाइप और यहाँ पर स्पेस clip और इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो मेरे फाइल के नेम यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल का एक्सटेंशन है मतलब .pdf .xlsx इसको मैं अलग से लाता हूँ। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पर डॉट के पहले जो है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो उसके बाद कंट्रोल एच और यहाँ पर स्टार डॉट मतलब डॉट के पहले जो भी है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा और रिप्लेस विथ में मैं डॉट टाइप कर देता हूँ रिप्लेस ऑल। ओके तो यहाँ पर आप देखिए .pdf .xls ये आ चुका है। अभी अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं मतलब सारे pdf एक जगह पर उसके बाद एक्सेल फाइल तो भी कर सकते हैं। मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर होम टैब यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर उसके बाद कस्टम सॉर्ट और यहाँ पर माई डेटा हैज हेडर्स इसको सिलेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पर हेडिंग है
उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ए टू जेड ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर पीडीएफ आ चुके हैं, उसके बाद टेस्ट फाइल, उसके बाद एक्सएलएस, मतलब ये सॉर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ओल्ड फाइल नेम है, यहाँ पर एक्सटेंशन है और यहाँ पर न्यू नेम। अभी आप जो भी न्यू नेम देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, उसके लिए आप VLOOKUP या जो भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल एच और यहाँ पर हमें उल्टा करना है, मतलब डॉट और स्टार, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं और रिप्लेस ऑल ओके। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल कोटेशन मार्क डैश बीई मतलब बिकमिंग एन एक्सपर्ट इसको टाइप कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17, 18 इसको कॉपी कर देता हूँ और नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 18, 19 इसको कॉपी कर देता हूँ और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इज इक्वल टू नेम एंड उसके बाद ये नेम एंड उसके बाद ईयर इंटर और इसको कॉपी करके पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए हम जो नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल अल्ट वी वी इंटर, मतलब मैं स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलाज है। तो न्यू नेम में हम ये नेम को देना चाहते हैं और एक्सटेंशन ये है और स्टार्ट में हम लिखना चाहते हैं REN स्पेस, तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ REN स्पेस इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, मतलब ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोटेशन मार्क, तो मैं कोटेशन मार्क को ऐड करूंगा, यहाँ पर कोटेशन मार्क इंटर, इसको भी मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें REN स्पेस चाहिए, उसके बाद एंड, उसके बाद हमें कोटेशन मार्क चाहिए, उसके बाद एंड, उसके बाद हमें ओल्ड नेम चाहिए, उसके बाद एंड, उसके बाद दोबारा हमें कोटेशन मार्क चाहिए, उसके बाद एंड, उसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क को ओपन कर देता हूँ, स्पेस और कोटेशन मार्क को क्लोज कर देता हूँ एंड उसके बाद हमें दोबारा कोटेशन मार्क, यहाँ पर एंड प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर न्यू नेम एंड प्रेस करता हूँ, उसके बाद हमें फाइल का एक्सटेंशन एंड प्रेस करता हूँ, उसके बाद हमें कोटेशन मार्क, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए REN स्पेस कोटेशन मार्क ओल्ड नेम कोटेशन मार्क क्लोज, यहाँ पर स्पेस कोटेशन मार्क ओपन, यहाँ पर न्यू नेम, उसके बाद फाइल का एक्सटेंशन कोटेशन मार्क क्लोज, ये हमारा आ चुका है। अभी इसको कॉपी करके मैं पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। अभी यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रेडी है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी, उसके बाद मैं फोल्डर में जाता हूँ, ये हमारा फोल्डर है और यहाँ पर मैं CMD प्रेस करता हूँ CMD इंटर और उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी मतलब जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर पेस्ट किया है उस तरह से इन फाइल्स का नेम चेंज हो चुका है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सारे फाइल का नेम एक साथ चेंज कर सकते हैं। अब इसके पहले हमने CMD को यूज करके फाइल्स और फोल्डर को एक साथ रीनेम कैसे करना है ये देखा था, लेकिन मान लीजिए किसी भी फोल्डर या फाइल्स के आगे और पीछे आप एक साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं या उनके नेम से कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर कुछ एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो पावर शेल विंडोज का इस्तेमाल करके आप ये क्विकली कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें सारे फोल्डर के पहले 22, 23 को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन पावर शेल विंडोज हेयर। अभी यहाँ पर मैं कमांड को टाइप कर देता हूँ DIR स्पेस डैश EXCLUDE मतलब एक्सक्लूड स्पेस, अभी डबल कोट्स में 22-23- और यहाँ पर मैं स्टार्ट प्रेस करता हूँ डबल कोट्स क्लोज स्पेस पाइप स्पेस RENAME रीनेम डैश आइटम स्पेस डैश न्यू नेम स्पेस और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में 22-23- डबल कोट्स क्लोज स्पेस प्लस डॉलर
@_.audiapanname_curly_close। अभी यहाँ पर सारी फाइल के आगे 22-23- ये जो है वो लग जाएगा। और यहाँ पर हमने एक्सक्लूड की कमांड दी है, मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर के आगे इसके पहले ही 22-23 है तो वहां पर ये ऐड नहीं होगा, मतलब ये रिपीट नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फोल्डर के आगे यहाँ पर 22-23 लग चुका है। इस तरह से सारे फोल्डर और फाइल्स के आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो कमांड है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर फोल्डर के आगे यहाँ पर ऐड किया है, अगर हम फोल्डर के पीछे ऐड करना चाहते है तो कैसे कर सकते है? तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक, उसके बाद ओपन पावर शेल विंडोज हेयर, यहाँ पर DIR स्पेस पाइप स्पेस रीनेम RENAME-item स्पेस डैश न्यू नेम स्पेस कर्ली ब्रैकेट ओपन $_.basename BASCNAME स्पेस प्लस स्पेस डबल कोट्स ओपन, और यहाँ पर जो भी हम फोल्डर नेम के लास्ट में ऐड करना चाहते हैं उसको हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं डैश और फाइनल टाइप कर देता हूँ, डबल कोट्स क्लोज स्पेस प्लस स्पेस $_.extension EXTENSION कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सारे फोल्डर और फाइल्स के आगे डैश फाइनल लग चुका है। अभी हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, मतलब किसी भी फोल्डर या फाइल के नेम में अगर सेम नंबर या टेक्स्ट है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22-23 है, वहां पर मैं 21-22 करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक, यहाँ पर ओपन पावर शेल विंडोज हेयर, DIR स्पेस पाइप स्पेस रीनेम डैश आइटम स्पेस डैश न्यू नेम स्पेस कर्ली ब्रैकेट ओपन $_.name स्पेस डैश रिप्लेस स्पेस डबल कोट्स में। अभी हम यहाँ पर किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 22-23- डबल कोट्स क्लोज कॉमा स्पेस अभी डबल कोट्स में। अभी आप यहाँ पर रिप्लेस करके क्या ऐड करना चाहते हैं? अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो हम डबल कोट्स को यही क्लोज कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर 21-22- इसको ऐड करना चाहते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फोल्डर के आगे 21-22 आ चुका है। अभी हम यहाँ पर ये जो डैश फाइनल है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक, उसके बाद ओपन पावर शीट विंडोज हेयर, यहाँ पर DIR स्पेस पाइप स्पेस रीनेम डैश आइटम स्पेस डैश न्यू नेम स्पेस कर्ली ब्रैकेट ओपन $_.name स्पेस डैश रिप्लेस स्पेस और डबल कोट्स में डैश फाइनल डबल कोट्स क्लोज कॉमा स्पेस यहाँ पर डबल कोट्स ओपन और डबल कोट्स क्लोज, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूँ और इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो भी हमारा लास्ट में डैश फाइनल था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। इस तरह से पावर शेल का इस्तेमाल करके आप स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम मल्टीपल फोल्डर को एक साथ डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये फाइल है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और CMD प्रेस कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके पहले हमने बैच फाइल को क्रिएट किया था, क्योंकि हम बैच फाइल इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि वो जो डेटा है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हम जब चाहे तब उस बैच फाइल पे डबल क्लिक करके उन फोल्डर को क्रिएट कर सकते है, लेकिन उस कमांड को हम डायरेक्ट CMD में प्रेस करेंगे तो भी वो सेम काम करती है। मैं यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ।
और यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। अभी किसी भी फोल्डर को हम CMD के थ्रू डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं F2 प्रेस करता हूँ और इस नेम को कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर CMD और इंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी स्पेस डबल कोट्स, यहाँ पर नेम डाल देता हूँ डबल कोट्स क्लोज, मतलब RD स्पेस और डबल कोट्स में फोल्डर का नेम, और मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दी डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मतलब यहाँ पर ये जो फोल्डर है इसमें भी सब फोल्डर है। अगर किसी भी फोल्डर में सब फोल्डर है तो हम उसको एक साथ डिलीट नहीं कर सकते, उसको वन बाय वन डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई भी सब फोल्डर नहीं है। तो F2 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल C, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ CMD इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर RD स्पेस और डबल कोट्स में हमारे फोल्डर का नेम डबल कोट्स क्लोज और इंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अभी इस तरह से इन सारे फोल्डर में जो भी सब फोल्डर है इनका डेटा हमारे पास यहाँ पर है। अभी सबसे पहले हम इन सब फोल्डर को डिलीट करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया है, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा और MD की जगह पर RD करूंगा। तो इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल H, और यहाँ पर जहाँ पर MD है वहाँ पर रिप्लेस विथ, तो यहाँ पर RD, और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए MD की जगह पर RD है, उसके बाद यहाँ पर फोल्डर का नेम और अंदर जो सब फोल्डर है उसका नेम है। इनको हमने कैसे बनाया है इसको हम इसके पहले ही देख चुके हैं। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर CMD और इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ और यहाँ पर कट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर इसके अंदर जो भी सब फोल्डर थे वो यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। अब ये जो सिर्फ बाहर का फोल्डर है वो बाकी है, तो यहाँ पर उसकी भी लिस्ट हमारे पास है। यहाँ पर देखिए ये जो है उन सब फोल्डर की लिस्ट है। यहाँ पर मैं RD स्पेस डबल कोट्स और ये जो नेम है उसको टाइप कर देता हूँ, डबल कोट्स क्लोज और इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल E कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर प्लस फिल के हेल्प से हमारे जो सारे नेम है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपके एक्सेल में प्लस फिल काम नहीं करता तो आप कॉन्केटिनेट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर डबल कोट्स टाइप कर देता हूँ और इसको कॉपी करके पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, यहाँ पर टैप प्रेस करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें RD और स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर डबल कोट्स में RD स्पेस डबल कोट्स क्लोज, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद हमें डबल कोट्स चाहिए, कॉमा, उसके बाद हमें नेम चाहिए, कॉमा, उसके बाद हमें डबल कोट्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम नेम आ चुका है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। अभी मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, उसके बाद यहाँ पर आके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, CMD इंटर, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे फोल्डर डिलीट हो चुके हैं। अगर आप कुछ फोल्डर को डिलीट नहीं करना चाहते तो उनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं।